Deja con, deja con, deja con, deja con, deja. कोई नहीं. किसने देखा? अरे सबने देखा, हमने भी देखा और पकड़ भी लिया आपका और सैफ का ये किस. आपका और फरहान का ये किस. और तो और अब एक और किस का किस्सा हम पकड़ने वाले हैं. ध्यान किधर है रे? यहाँ से लोकल बढ़ने की आवाज आ रही. लफंगे नील और लफंगी दीपिका का हॉट किस. जी हाँ, रणबीर कपूर, सैफ अली खान, फरहान अख्तर को किस करने के बाद अब दीपिका पादुकोण लफंगे नील को किस का पाठ पढ़ा रही हैं. उस नील को जो अभी तक बाल ब्रह्मचारी थे, न लड़कियों का चक्कर था न किसी से किस की टक्कर थी. अब तक बेचारे नील यही गाना गाते थे. ये कन्या वो मीठी कटारी, हमको क्या करना, हम है बाल ब्रह्मचारी. लेकिन किसकी गुरु मैया दीपिका है ना, तो भला नील को किस कैसे ना आता. अच्छा लगा तो तारीफ हो. ऐसी जगह पे लात दूंगी कि अच्छा जिंदगी पकड़ के बैठा रही. पता मेरे को क्यों लगता है कि तू देखना सीख पाएगी. छुप छुप तेरे को लड़ना आता होगा. तेरा ध्यान किधर है रे? क्यों क्या हुआ? यहाँ से लोकल ट्रेन दौड़ने की आवाज आ रही. कमरा हो, नौकरी हो, तो इस दिन वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं तो हम आपके एक और. दरअसल लफंगे परिंदे ने नील को करना था एक किस, लेकिन नील घबरा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि किस के लफड़े से कैसे बचा जाए, कैसे दीपिका को किस किया जाए. तो उन्होंने दिलचस्प दीपिका को किस करने से साफ इनकार कर दिया. शायद उन्हें पता नहीं था कि उनके पास किस की गुरु माता है. फिर क्या था, दीपिका ने दी नील को किस की क्लासेस, और वो भी ऐसी कि जल्दी सब देखेंगे. अब इन क्लासेस के बाद नील किस को कैसे मिस करते. लफंगे परिंदे में दे दिया दीपिका को एक बड़ा किस. बन गई बात, ओके हो गया शॉट, और नील निकले किस के उस्ताद. लफंगे परिंदे का शॉट ओके होने के बाद अब तो नील किस में माहिर हो चुके हैं. और तो और हमें यकीन है कि अब नील बाल ब्रह्मचारी गाने को छोड़कर कुछ ये गाना गाते फिरते होंगे. एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया, दिल्ली.